कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इस वक्त जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। हम डिबेट करने को तैयार हैं, ये चुनौती वो स्वीकार करते हैं या नहीं अब इसकी इंतजार है। नौजवान हो, कृषक हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, कोई ऐसा वर्ग हो, पेंशन याफ्ता बुजुर्ग हो, कोई ऐसा वर्ग आपको नहीं दिखेगा जिसको कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने छुआ नहीं हो। सबसे महत्वपूर्ण शब्द इस सरकार का कौन सा शब्द है? राहत। जब महंगाई से आहत हो गए या समाज और प्रदेश की जनता, कोविड की वजह से आहत हो गए, चरमराई हुई अर्थव्यवस्था से आहत हो गए, तब एक ऐसी सरकार जो राहत लाई हो, वो भी चाहते तो कह सकते थे कि साहब मेरी गलती नहीं है, विश्व में ये हो रहा है, जैसे कि हमारे मोटा भाई छोटा भाई करते हैं दिल्ली में बैठकर, विश्व में ये हो रहा है, वहां मंदी है, यहां ये हो रहा है, इसलिए हमारे साथ, और कुछ नहीं तो नेहरू जी वो करके गए, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल रही। चाहते तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये कर सकते थे, लेकिन नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई विवाद नहीं, हर वर्ग की समस्याओं को समझते हुए उनके लिए ऐसी नीतियां बनाई कि उनको राहत मिले। ये काम होता है किसी भी संवेदनशील संजीदा सरकार का, और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि मैं इस प्रदेश से आता हूं जहां की सरकार का दिल धड़कता है, हर वर्ग के लिए धड़कता है, कोई अपना पराया का भेद नहीं होता इस सरकार। देखा कि महिलाओं को दिक्कत है उनके लिए, किसानों को दिक्कत है उनके लिए, वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, कोई भी ऐसी आप चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो, कोई एक योजना उठाकर देख लीजिए, ये लंबी लिस्ट है, बार बार हमारे यहां इस मंच से आपसे हम दोहराते भी रहेंगे और दोहराना चाहिए भी, लेकिन इस लिस्ट में आप कोई योजना उठाकर देख लीजिए, उस योजना में एक संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री का एक धड़कता हुआ दिल की आवाज सुनाई देगी आपको। ये हमारी उपलब्धि है इस सरकार की, और इसीलिए आज जब 5 साल पूरे हो गए हैं फिर आपके सामने हम आए हैं, आंखों में आंखें डाल करके फिर से विनम्रता के साथ राजस्थान की जनता से वोट मांगने का हम हक रखते हैं, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य पूरे किए हैं, इसलिए यह हक हमें मिला। लेकिन पूरी विनम्रता के साथ मैं आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर लाइन में लगा हुआ था, तो एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते ही होंगे, वो आए, मैं उनको पहचानने की कोशिश कर रहा था, बोले साहब मैं संघ से हूं। मैंने कहा ये फोटो खिंचवा दी, मैंने कहा जरूर खिंचवाइए, लेकिन आपके वहां नागपुर में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? बोले नहीं, मैं अपने पास रिकॉर्ड पर रखूंगा, सार्वजनिक नहीं करूंगा। कहां जा रहे हो साहब? आप भी जयपुर जा रहे हो? हां साहब जयपुर जा रहा हूं। साहब इस बार तो रिवाज जो है ना बदलेगा, ये वो बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, मैं चुपचाप सुनता रहा। मैंने कहा क्यों बदलेगा? वहां तो राजस्थान का तो मैं हूं, हर 5 साल में सरकार बदलती। बोले नहीं साहब इस बार रिवाज बदल रहा, काम हुआ है। मैं बड़ा खुश हुआ सुनकर कि एक विरोधी विचारधारा वाला व्यक्ति, बड़ा समझदार व्यक्ति था, ऐसी बात भले विरोधी है, लेकिन फिर वो मुझे साइड में ले गया। उसको थोड़ा डर भी था कि कहीं और लोग सुन रहे हैं कि एक संघ का आदमी कांग्रेस की तारीफ कर रहा है, तो मुझे साइड में ले गया। बोला हमारे यहां सबका मानना है कि इस बार कांग्रेस को चुनौती हम नहीं दे पा रहे राजस्थान। मैंने कहा कारण बताइए, क्या आपके पास चेहरा नहीं है, क्या कारण है? बोले यार चेहरे की भी दिक्कत नहीं है, हम कोई चेहरा ले आए, इस परफॉर्मेंस का हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि तुलना हो जाएगी पड़ोस के राज्य से, मध्य प्रदेश से, तुलना हो जाएगी हरियाणा से। और उसने जाते जाते, वापस जब हम लाइन में आ रहे थे, जाते जाते फिर बोला, और अगर तुलना हो गई केंद्र सरकार से तब भी हम कोई जवाब नहीं दे पाए। ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर जब मैं यहां आया तो स्वर्णिम जी ने मेरे सामने कागज रखे, मैंने कहा नहीं मैं कोई कागजों की जरूरत नहीं। ये किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं
जो आपको राजस्थान में सुबह सुबह शाखा में जाते हुए लोग दिखेंगे ना, नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होगा, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो वोट कांग्रेस को देने वाले हैं। जो व्यक्ति ये देख रहा है कि एक संवेदनशील सरकार सबके लिए सोचती हुई आगे बढ़ रही है, उस सरकार को कोई जो राजस्थान के हित की बात सोचता होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस सरकार को नहीं चाहेगा कि वो हारे। आप सबसे एक निवेदन है, गुजारिश है, आग्रह है कि राजस्थान ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया। देश की जो सरकार है पिछले 9 साल से वो नए नए विवाद पैदा करती है, राजस्थान संवाद में विश्वास रखता है। आप लोग फिर से रास्ता दिखाइएगा, देश को रास्ता दिखाइएगा और एक ऐसी सरकार को फिर से चुनिएगा जिसने 94% नंबर हासिल कर लिए हैं। अभी 1.5-2 महीने और हैं, फिर आगे आगे देखिए, हो सकता है अगली प्रेस वार्ता तक 100% काम हो जाए। और कभी कोई नेता आपके सामने किसी और पार्टी का आए, मेरी चुनौती उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, और जब वो आपसे संवाद कर रहा हो, क्या उसकी इतनी हिम्मत है कि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल सके कि हां मेरा दिल प्रदेश की जनता के लिए धड़कता है। आंखों से सब पता चल जाता है, नियत पता चल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी सरकार में, किसी संगठन में, परिवार में, हर जगह, देश में, समाज में, वो नियत होती है। अशोक गहलोत ने अपनी नियत स्पष्ट कर दी, हर वर्ग के सामने स्पष्ट कर दी। हमें गर्व है कि कांग्रेस ने एक ऐसी सरकार दी है जो सुनती है, सुनने के बाद ऐसी नीतियां बनाती है जिससे लोगों को राहत मिल सके। आपके सवाल, सर, आपने कहा बीजेपी की साइड से आपको दूल्हा नहीं दिख रहा है, आपकी साइड से दूल्हे तैयार है ना, कौन दूल्हा रहेगा? अरे हम तो यहाँ रोज आकर आपसे बात करते हैं, हम तो अब आपके माध्यम से जानना चाहते हैं वहां दूल्हा है कौन, है भी सही या नहीं है, हमारी चिंता मत कीजिए। तो पवन खेड़ा ये विश्वास जताते हुए कि प्रदेश में रिवाज बदलेगा और कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनेगी। फिलहाल इसी के साथ महारो राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग